A thief runs with uniform speed 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. He goes with the speed of 100 meter per minute in the first and increases speed by 10 meter per minute every succeeding minute. After how many minutes the policeman will catch the thief? अभी इसमें हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हम policeman की बात करते हैं. तो policeman जो है, policeman 100 meter per minute की speed से run कर रहा है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम policeman का problem solve करेंगे. Policeman, तो policeman का AP हो जाएगा. पहली मिनट पे वो रन करेगा 100, दूसरी मिनट पे वो रन करेगा 110, तीसरी मिनट पे वो रन करेगा तो इससे और 10 120, इसी तरह से उसकी 10 मीटर स्पीड पर मिनट स्पीड बढ़ती जा रही है ईच मिनट. तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो उसके लिए हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए. एस एन, एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी. अभी यहाँ पे हम लिखेंगे n, n हमें पता नहीं है, सो यहाँ पे n बाय टू एज इट इज रहेगा. a की वैल्यू है, हाँ दिस इज a, तो यहाँ पे लिखेंगे 200, 100 इंटू टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली है जो कि है 10, बिकॉज हर मिनट 10 मीटर स्पीड बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पे n अपॉन टू इंटू ब्रैकेट 200, यहाँ पे प्लस है 200 प्लस 10n माइनस 10, ये हो जाएगा n अपॉन टू इंटू ब्रैकेट 190 प्लस 10n. अभी अगर हम पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 18, 2 5 10 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 5n. अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे मैं रफ वर्क करके दिखा रहा हूँ कि ये एक्चुअली हुआ क्या. n अपॉन टू मैंने एज इट इज रखा, इन टू ये पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 95 प्लस 5n. अभी ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो n इंटू ब्रैकेट 95 प्लस 5n, दैट इज वॉट आई रॉट हियर. सो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा. तो पोलिसमैन का डिस्टेंस है. अभी पुलिसमैन जो है वो कैच कर लेता है थीफ को, यानी कि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं. अभी थीफ को कितना टाइम लगता है, थीफ का टाइम कितना, तो थीफ जो भी पुलिसमैन का टाइम है उससे ज़्यादा ले लेगा. हम पुलिसमैन के टाइम को यहाँ पे बोल देते हैं एन, यहाँ पे एन दैट इज टाइम टेकन बाय पुलिसमैन, हमने एज्यूम कर लिया है एन. तो यहाँ पे एन प्लस वन होगा. एन प्लस वन कहाँ से आया, तो थीफ जो है, जैसे कि ये थीफ है, ये पुलिसमैन है, यहाँ पे थीफ, यहाँ पे पुलिसमैन. अभी थीफ ने रन करना शुरू किया, उसकी 1 मिनट बाद पुलिसमैन शुरू कर रहा है, तो इसका जो टाइम है वो इससे 1 मिनट तो ज़्यादा ही होगा. थीफ इज एन प्लस वन, अगर इसका हम एन मान लेते हैं तो ये एन प्लस वन ही होगा क्योंकि पुलिस 1 मिनट लेट रनिंग शुरू कर रहा है, तो थीफ उसे 1 मिनट पहले निकल गया. तो जहाँ कहीं भी मिलेंगे वो, टाइम तो 1 मिनट ज़्यादा ही होगा थीफ का. तो थीफ का जो टाइम है दैट इज एन प्लस वन, और थीफ की जो स्पीड है, तो थीफ की स्पीड के बारे में हम बात करें तो वो है 100 मीटर पर मिनट, हमें दिया हुआ है. यानी कि थीफ की स्पीड में यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर मिनट. अभी मुझे पता है, मैंने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा. अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो स्पीड मेरे पास है 100, टाइम है मेरे पास n प्लस 1, 100 दोनों के साथ है तो दैट विल बी 100n प्लस 100. अभी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे बिकॉज कैच कर लेता है पुलिस थीफ को. तो यहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे n, अभी हम n दोनों के साथ लिख देते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में. सो ये हो जाएगा 95n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100n प्लस 100. अभी हम ये लाइक टर्म्स को एक साथ कर देंगे. सबसे पहले मैं 5n स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे 95n तो है ही, ये 100n ये साइड ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 100n इज इक्वल्स टू 100. अभी ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 5n, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर साइन, 100 ये साइड आ गया, माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हमें मल्टीप्लाई करो तो चाहिए माइनस 20, प्लस करो तो चाहिए हमें माइनस 1। सो इजी, 5 फोर ज़ा 20, बिगर नंबर साइन माइनस 5। सो ये कर दे रहे हम एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट n माइनस 5, यहाँ पे 4 कॉमन इंटू ब्रैकेट n माइनस 5, दोनों के इक्वल जीरो। यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 4 n माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। अभी n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमारा सही आंसर है 5, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। और सही आंसर है हमारा 5, यानी कि 5 मिनट बाद पुलिसमैन कैच कर लेगा थिफ को। ये सम बहुत ही स्पेशल है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ये अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। सो थैंक्स, आई होप इट हेल्प्स।